Hello dear students, welcome to GPET Discussion Center. In today's video we are going to learn about prokaryotic cell and eukaryotic cell. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं prokaryotic cell और eukaryotic cell के बारे में. तो कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ prokaryotic cell, फिर उनके स्ट्रक्चर्स, उन्हें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, फिर eukaryotic cells के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, eukaryotic cells के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और लास्ट में प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल के बीच डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो प्रोकैरियोटिक सेल से. प्रोकैरियोटिक्स मतलब प्रोकैरियोट्स, इस वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है? अगर इस वर्ड को मैं दो हिस्से में तोड़ दूं तो प्रो और कैरियोट्स पे. प्रो मतलब बिफोर या बिगिनिंग या प्रिमिटिव. तो प्रो मतलब हो गए किसी भी चीज के प्रिमिटिव स्टेज में. किसी भी चीज के अगर हम प्रिमिटिव स्टेट की बात करते हैं तो वहां प्रो वर्ड यूज करते हैं. और कैरियोट्स मतलब अगर हम किसी सेंटर की बात करें, किसी नट की बात करें, किसी कर्नल की बात करें तो ये हो जाएगा कैरियोट्स. इट मींस क्या हुआ, बिफोर न्यूक्ली या बिफोर नट. या बात करूं अगर कर्नल की तो कर्नल मतलब हुआ कि न्यूक्लियस. अगर किसी किसी भी ऑर्गेनिज्म की न्यूक्लियस की बात करें तो वहां यूज करेंगे कर्नल. इस हिसाब से इसका मीनिंग क्या हो जाना चाहिए, बिफोर कर्नल या बिफोर न्यूक्लियस. मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, जिनमें न्यूक्ली नहीं होगा, उन्हें कहेंगे प्रोकैरियोट्स. ठीक, इनमें क्या होगा, न्यूक्लियस पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होगा या एब्सेंट ही होगा. ठीक, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा और इनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स डेवलप नहीं रहेंगे, ये इमैच्योर सेल्स रहेंगे, इन्हें कहेंगे प्रोकैरियोट्स. ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, साथ ही साथ इनमें ऑर्गेनल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से. इस कारण से इनके अंदर जितने भी रिएक्शंस होंगे वो कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे. इनके एग्जांपल्स पे आते हैं तो एग्जांपल पे कौन कौन से सेल्स रहेंगे, बैक्टेरियल सेल्स और एर्किया सेल्स. ये दो एग्जाम्पल्स हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के. अब अगर बात करूँ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जैसे मैंने अभी बताया था इनमें न्यूक्लियर या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो इनमें न्यूक्लियर एब्सेंट रहेगा. मतलब अब इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है बट ऐसा नहीं कि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स नहीं है. जेनेटिक मटेरियल है बट वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में, न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट है. और किस फॉर्म में प्रेजेंट है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट है. प्लस इनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जैसे लाइजोजोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहेंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट रहेंगे. अब इनमें जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो सिंगल क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेंगे. प्लस किसी भी डीएनए को रेगुलेशन करने के लिए एक प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन. वो हिस्टोन प्रोटीन इनमें एब्सेंट रहेंगे. इनके जो सेल वॉल रहेंगे, अगर इनके सेल वॉल की बात करूं तो इनके जो सेल वॉल रहेंगे वो कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड्स के बने रहेंगे. वहीं बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो वो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन्स के बने होंगे. अब बात करते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल अपने लिए एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं या कौन सा ऑर्गेनेल इनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो इनके जो सेल मेम्ब्रेन है, इनके सेल मेम्ब्रेन ही माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं. इनके या इनके सेल मेम्ब्रेन कहा जाए या इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाए, वो इनके लिए एनर्जी जनरेट करने का काम करते हैं, उनके लिए पावर हाउस का काम करते हैं. तो इनके लिए पावर कहाँ से आ जाएगा, इन सेल मेम्ब्रेन से, जिनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. अब ये हो गए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट बात किया जाए कि किस तरीके से प्रोकैरियोट्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं. तो प्रोकैरियोट्स अपने आप को डिवाइड करने के लिए एसेक्सुअली बाइनरी फ्यूजन पर डिपेंडेंट होते हैं. एसेक्सुअली बाइनरी फ्यूजन के द्वारा वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं. आपको बता दूं रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल. सेक्सुअल में दो टाइप से मेथड आते हैं, सिंगेमी और कंजुगेशन. वहीं एसेक्सुअल की बात करूं तो एसेक्सुअल मेथड पांच टाइप से हो सकते हैं, बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, फर्मेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और स्पोरोजेनेसिस. तो बैक्टीरिया कहाँ आएंगे या प्रोकैरियोट्स कहाँ आएंगे, ये अपने आप को एसेक्सुअली बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रेप्लिकेट करते हैं. वहीं अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कंजुगेशन के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे. ये हो गया इनका रिप्रोडक्शन और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स.
नेक्स्ट आते हैं इनके सेल स्ट्रक्चर पे, मतलब इनके सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होंगे, इनका सेल का शेप कैसा होगा, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जब हम ध्यान देते हैं, सबसे बाहरी लेयर एक होता है जिसे नाम दिया जाता है कैप्सूल। ये कैप्सूल हार्ड होता है और इस बैक्टीरियल सेल या इस प्रोकैरियोटिक सेल को बाहरी एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करता है। सेकंड, इसके अंदर अगर स्टडी करते हैं तो मिलता है सेल वॉल। ये सेल वॉल इस सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इस सेल वॉल के अंदर कुछ ग्रोथ है, कुछ मेम्ब्रेन हमें मिलता है इसे, या हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर रोल रहता है कि ये सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंस के एंट्री या सेल के बाहर किसी भी सब्सटेंस के एग्जिट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब जब ध्यान से देखा जाता है तो पता चलता है कि ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर ग्रो कर रहे हैं। इन ग्रोथ को नाम दिया जाएगा मीजोजोम। ये मीजोजोम कहाँ हेल्प होते हैं, ये मीजोजोम उस सेल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। अब ध्यान से देखा जाए, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ जेल लाइक कंपोनेंट प्रेजेंट है जिनके अंदर ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं या सिचुएटेड है। इन जेल लाइक कंपोनेंट्स को कहा जाएगा साइटोप्लाज्म, और इन्हीं साइटोप्लाज्म में इस सेल के अंदर होने वाले सारे रिएक्शन यही कंप्लीट होंगे। फिर ध्यान दिया जाए कि हमने बताया था कि न्यूक्लियर या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट नहीं होता, बट इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और वो जेनेटिक मटेरियल किस टाइप से रहते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड रीजन में रहते हैं, इसके बीचों बीच रहते हैं, और उनका कोई आइडेंटिफिकल शेप नहीं रहता, वो किसी भी शेप में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इनके अंदर न्यूक्लियोइड रीजन में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। डीएनए की अगर क्वांटिटी की बात करूं तो डीएनए की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी, आरएनए की क्वांटिटी उससे कम होगी, और प्रोटीन की क्वांटिटी उनसे भी कम होगी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इन साइटोप्लाज्म में कुछ स्पॉट्स दिख रहे हैं, इन स्पॉट्स को नाम दिया जाएगा राइबोसोम, इन्हें कहेंगे राइबोसोम। और ये राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, इनका मेजर काम रहता है प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आए तो हम देख रहे हैं यहाँ कुछ स्पेरिकल शेप या कुछ सर्कुलर शेप हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, इन सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर को कहेंगे प्लाज्मिड, और इन प्लाज्मिड में भी डीएनए प्रेजेंट होता है, बट इनमें जो डीएनए प्रेजेंट होंगे वो सर्कुलर शेप के होंगे। ठीक, सर्कुलर शेप्ड डीएनए इन प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। एक बार और मैं आपको बाहर की ओर लेके जा रहा हूं, इनके आउटर सरफेस की ओर। तो आउटर सरफेस में हमने देखने मिल रहा होगा कि कुछ हेयर ग्रोथ प्रोजेक्शन हमें दिख रहे हैं। ये हेयर ग्रोथ प्रोजेक्शन दो टाइप से हो सकते हैं, कुछ हेयर ग्रोथ प्रोजेक्शन छोटे हैं साइज में, वहीं कुछ किन्हीं का साइज बहुत ही बड़ा है। जो छोटे साइज के रहेंगे उन्हें नाम दिया जाएगा पिली। ये पिली, इनका मेजर रोल रहेगा कि सेल टू सेल इंटरेक्शन, दो सेल के बीच अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो वहां पिली रेस्पॉन्सिबल होंगे, या इन पिली का मेजर रोल होता है उस सेल के मोटिलिटी में भी। सेकेंड बात करता हूं फ्लैजिला की। फ्लैजिला इन पिली से बड़ा स्ट्रक्चर रहेगा, इन पिली से बड़े हेयर ग्रोथ रहेंगे, और इनका मेजर रोल रहता है कि अगर बैक्टीरियल सेल मूव कर रहा है तो इनके डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे, प्लस लोकोमोटरी एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हो गए पूरे तरीके से सेल का स्ट्रक्चर, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आगे डिटेल में इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, इन डिटेल में इन्हें पढ़ते हैं कि किन किन ऑर्गेनल्स का क्या क्या फंक्शन हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कैप्सूल से। जैसे मैंने बताया, कैप्सूल सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहेगा, ये प्रिवेंटिव लेयर की तरह काम करता है, मतलब सेल को बाहरी एनवायरनमेंट से बचाता है, प्लस फिजिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, और हार्मफुल पैथोजेन से भी बचाने का काम करेगा। प्लस इनका और मेजर रोल कहाँ हो जाता है कि मॉइस्चर रिटेंशन, किसी भी सेल में मॉइस्चर को पेनिट्रेट करने से रोकने का काम करते हैं, और सेल के सरफेस को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगा, कैप्सूल के जस्ट अंदर। इनका काम रहेगा कि ये सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करें। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, या जो मैंने बताया लिक्विड, जो जेल लाइक कंपोनेंट की बात किया मैंने, ये होंगे साइटोप्लाज्म। ये बेसिकली कंपोज होते हैं एंजाइम से और सॉल्ट से।
एंजाइम से और सॉल्ट से बने रहेंगे और इनमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स या ये साइटोप्लाज्म किसी भी रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट आते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने क्लियर किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल में किसी भी सब्सटेंस के इनपुट और एक्सपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट आते हैं पिली और फ्लैजिला की ओर। पिली पिली का काम रहेगा किसी भी बैक्टीरियल सेल को, अगर दो सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहां पिली का मेजर रोल रहता है दूसरे सेल से इंटरेक्ट करने के लिए, उनसे ज्वाइन होने के लिए। नेक्स्ट फ्लैजिला, फ्लैजिला हमने बताया कि पिली से बड़े ग्रोथ स्ट्रक्चर रहेंगे, हेयर ग्रोथ स्ट्रक्चर रहेंगे। इनका साइज या इनका शेप किस तरीके से रहेगा, झाड़ू के तरीके से रहेगा या वाइप वाइप की तरीके, झाड़ू की तरीके से रहेगा और किसी भी सेल के लिए लोकोमोटरी एक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था राइबोसोम। राइबोसोम क्या रहेंगे, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने रहेंगे और मेनली रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, आरएनए मेनली रेस्पॉन्सिबल रहेंगे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का यहाँ मेजर रोल हो जाता है क्योंकि ये नॉन क्रोमोसोमल डीएनए स्ट्रक्चर्स हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह काम करते हैं। इनमें जो डीएनए प्रेजेंट रहते हैं वो न्यूक्लियोइड वाले डीएनए से डिफरेंट रहते हैं क्योंकि ये सर्कुलर रहते हैं शेप में, सर्कुलर शेप के रहेंगे और इन प्लाज्मिड्स का मेजर रोल हो जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की टाइम। ठीक, तो ये हो गया अब हमारे प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में रहेंगे जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो मैंने पहले ही बात किया था कि प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, ये इमेच्योर सेल होते हैं, इस कारण से इनमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। सेल ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको डिटेल पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में। अब मैंने बात किया था रिप्रोडक्शन, किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन या सेक्सुअली बाय कंजुगेशन। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं बाइनरी फिजन होता क्या है। बाइनरी फिजन में जब कोई सेल है उनके अंदर डीएनए अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल रेप्लीकेट करेंगे और रेप्लीकेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के अंदर ये सेल वॉल अंदर की ओर ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और इन दो डीएनए को एक दूसरे से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ टाइम बाद ये दो डीएनए आपस में अलग अलग एक डॉटर सेल्स बना लेंगे और इस तरीके से इनके अंदर रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो ये हो गया इनके अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, प्रोकैरियोट्स किस तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करके नए सेल्स बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनके एग्जांपल पर। अगर एग्जांपल की बात करूँ तो कौन कौन से ऑर्गेनल्स, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे एग्जांपल के तौर पे, बैक्टीरिया और एर्किया। बैक्टेरियल सेल की बात करूँ, बैक्टेरियल सेल क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लस इनके पास एक ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसे कहते हैं एंडोस्पोर। बैक्टीरिया अपने आप को एंडोस्पोर के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये एंडोस्पोर इन्हें ऐसा इन्वायरमेंट या इन्हें इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है कि ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकें। ये एंडोस्पोर अपने आप को बहुत हार्ड बना लेता है और उस सिचुएशन में बैक्टीरियल सेल को सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं अर्किया, अर्कियल सेल या अर्किया। अर्कियल सेल की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन के नहीं बने होते। वही बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होंगे वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन के बने होते हैं, अर्किया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं होता। और अर्कियल सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये अपने आप को किसी भी कंडीशन में रख सकते हैं, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में या एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में भी ये इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। प्लस इनके अंदर लिपिड भी प्रेजेंट होता है जो अलग अलग स्टेरियोकेमिस्ट्री प्रोड्यूस शो करता है। नेक्स्ट आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की ओर। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब नेम से कंफर्म होगा, अगर मैं फिर डिवाइड कर दूं ई के यू और कैरियोट्स को, यू मतलब हो गया गुड और कैरियोट्स मतलब फिर से कर्नल या न्यूक्लियस या नट, यू मतलब हो गया गुड। इनका डेफिनेशन क्या हो जाना चाहिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप हो, जो
सेल्स पूरी तरीके से मैच्योर्ड हो, मैच्योर्ड इन द सेंस उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो पूरी तरीके से ग्रो हो और कंप्लीट मैच्योर हो। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं, इनके अंदर सारे ऑर्गेनल्स पूरी तरीके से डेवलप होते हैं। डेवलप होने के कारण इनके अंदर होने वाले रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन इनके ऑर्गेनल्स के कारण ही होते हैं, ये किसी साइटोप्लाज्म पर डिपेंड नहीं करते। प्रोकैरियोट्स में क्या होते थे, साइटोप्लाज्म में रेस्पॉन्सिबल होते थे किसी भी रिएक्शन, किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते थे। आगे देखते हैं इन यूकैरियोटिक सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया कि पूरी तरीके से ये डेवलप रहेंगे, तो इनमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा जो इनके लिए पावर हाउस का काम करता है। आगे बात करूं इन फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला इनमें, फ्लैजिला का साइज बहुत ही छोटा रहेगा और फ्लैजिला इनमें भी लोकोमोटरी एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट सेल वॉल की अगर बात करता हूँ, तो सेल वॉल इनमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहेगा। इनमें किसी भी प्रकार के कैप्सूल नहीं रहते हैं, कैप्सूल के प्लेस में इनमें क्या रहेंगे, सेल वॉल रहेंगे। और इनमें प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये अपने आप को मिटोसिस के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। जिस तरीके से प्रोकैरियोट्स में होता था वो अपने आप को एसेक्सुअली बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते थे, बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, यूकैरियोट्स अपने आप को मिटोसिस के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर एक साइटोस्केलेटन जैसे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो सेल को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और इनमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आते हैं इनके स्ट्रक्चर्स पे, किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, ये कैसे दिखते हैं। जब ध्यान देते हैं हम, इनमें किसी भी प्रकार का कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होगा। इनका जो आउटर मोस्ट लेयर होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा, और ये सेल मेम्ब्रेन, अगेन ये सेल मेम्ब्रेन किसी भी आयन, किसी भी कंपोनेंट के इंपोर्ट या उसके एक्सपोर्ट को डिपेंड करता है, उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, उन्हें कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हम जब ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनमें एक सबसे बड़े स्ट्रक्चर मिलते हैं, और ये सबसे बड़े स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस। इन्हीं न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इनके जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए और आरएनए। ये न्यूक्लियस क्या होंगे, कवर रहते हैं न्यूक्लिक एनवलप से। न्यूक्लिक एनवलप इन्हें चारों ओर से कवर करता है, और इनके न्यूक्लिक एनवलप के बाद जब हम बाहर बढ़ते हैं तो देखते हैं आसपास में इनके कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जिन्हें हमने नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप से हो सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इनमें कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर स्मॉल एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ये स्मॉल ई इन बैग्स को हमने नाम दिया लाइजोजोम, या बोला जाए सुसाइडल बैग्स। इनका काम रहता है सेल ऑर्गेनल्स को या बाहर से सेल, या सेल के अंदर बाहर से आने वाले कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करना। तो ये हो गए लाइजोजोम। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेंट्रियोल की ओर। सेंट्रियोल क्या होते हैं, न्यूक्लियस के जस्ट नियर बाय ये प्रेजेंट रहेंगे, और इनका मेजर रोल रहता है कि न्यूक्लियस के आसपास सारे ऑर्गेनेल्स के पोजीशन को डिटरमाइन करना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में कुछ इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर मिलता है, इन्हें नाम दिया जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। ठीक, अब ध्यान दिया जाए कि इस सेल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनका पावर हाउस, जो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और इन्हें नाम दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियन। इन्हीं के द्वारा सेल को एनर्जी मिलती है, ये एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जिस तरीके से हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम देखा था जो साइटोप्लाज्म में हर जगह कहीं भी प्रेजेंट थे, इसी तरीके से यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, और इनका भी काम यहाँ सेम रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये हो गए इनके स्ट्रक्चर्स। अब डिटेल में पढ़ते हैं सारे ऑर्गेनेल्स को और उनका स्पेसिफिक, उनका फंक्शन
इनका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, उनका स्पेसिफिक फंक्शन पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? बाइफॉस्फेट लिपिड लेयर से बना हुआ होता है और इनका मेजर काम रहेगा कि बाइफॉस्फेट लिपिड लेयर से बना होता है, मतलब एक साइड लिपिड रहते हैं और एक साइड फॉस्फेट रहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप रहेंगे और इस तरीके से ये एक दूसरे से अरेंज रहते हैं। इनके बीच किसी भी आयंस का एक्सचेंज होगा तो यही बाइफॉस्फेट लिपिड लेयर इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। और साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेंगे, इस सेल को बाहरी पैथोजन से या आउटर आउटसाइड इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट आएंगे सेल वॉल की ओर। सेल वॉल क्या होते हैं? इनके जो सेल वॉल रहते हैं वो रिगिड रहते हैं नेचर में और सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करेंगे, प्लस उस सेल को किसी बाहरी पैथोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। सेल्युलोज या हेमी सेल्युलोज से बने होते हैं और सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं साइटोस्केलेटन की ओर। तो साइटोस्केलेटन मैंने बताया था, इस सेल में कुछ माइक्रोफिलामेंट्स रहेंगे जो कहीं भी किसी भी तरीके से फैले रहेंगे और इनका मेजर रोल रहता है कि ये अंदर से सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, सेल को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का, एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी मैंने बताया था, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस बेसिस पे हमने इन्हें स्मूथ और रफ किया, चलिए बताता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कुछ ड्रॉपलेट्स रहेंगे जिनका नाम है राइबोसोम। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उनका सरफेस रफ हो जाएगा और रफ होने के कारण इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। वहीं जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे उनका सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, इस कारण से इन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर रोल क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है, याद रखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। जहां जहां राइबोसोम यूज होगा वहां वहां हमें याद रखना है कि उनका काम होगा इस प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस की ओर। न्यूक्लियस क्या होगा, इस सेल ऑर्गेनेल्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर रहेगा न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस में जब हम ध्यान देते हैं तो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, लिक्विड कुछ प्रेजेंट रहते हैं, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन न्यूक्लियस के हर साइड कुछ पोर्स, कुछ होल्स रहेंगे, इन्हें नाम दिया जाएगा न्यूक्लियर पोर। वहीं जो इनका मिडिल एरिया रहेगा जिनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेंगे इन्हें नाम देते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस पूरी तरीके से कवर रहेंगे न्यूक्लियर एनवलप से। तो ये हो गए न्यूक्लियस, इनका मेजर काम रहता है डीएनए और आरएनए को या जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखने का। नेक्स्ट बढ़ते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की ओर। तो न्यूक्लियस के पास कुछ फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, कुछ फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनका नाम है गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस भी बोल सकते हैं। ये गोल्जी बॉडी क्या होते हैं, क्रिस्टर्ने से बने हुए होते हैं और इनका मेन काम रहता है कैल्शियम के स्टोरेज में, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में या प्रोटीन के पैकेजिंग में, ठीक। अगर न्यूक्लियस से कोई प्रोटीन आ रहा है तो उन प्रोटीन्स को ये पैक करेंगे, पैक करके वेसियोल्स की तरह इन्हें आगे बढ़ाएंगे, आगे दूसरे ऑर्गेनल्स की ओर इन्हें भेजेंगे। तो ये हो गए गोल्जी एपरेटस और उनका फंक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं राइबोसोम की ओर। अभी मैंने बताया था राइबोसोम क्या होंगे, बेसिकली प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो क्या हो गए, मेन साइट्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब अगर कंपोजिशन की बात करूं तो इनमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, आरएनए प्रेजेंट होंगे और प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे पैलेट ग्रैन्यूल्स, पैलेट ग्रैन्यूल्स भी इन्हें बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की ओर, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। इनका काम क्या रहेगा, ये एटीपी जनरेट करके सेल को पावर प्रोवाइड करने का काम करेंगे। इनमें दो लेयर होते हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर।
जब हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो पता चलता है कि इनके स्ट्रक्चर में कुछ मोल्डेड, कुछ मुड़े हुए शेप के स्ट्रक्चर मिलते हैं और इन्हें कहते हैं क्रिस्टेई। इन्हीं क्रिस्टेई के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जिससे सेल को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ ऑर्गेनेल्स देखते हैं, जैसे लाइजोसोम। लाइजोसोम को भी मैंने बताया था, क्या कहेंगे इसे, द सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों कहेंगे, क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और ये क्या करते हैं, बाहर से आने वाले कुछ अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स को ये डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सुसाइडल बैग्स। इन्हें सुसाइडल बैग्स क्यों कहेंगे, क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और ये सेल और ये बाहर से आने वाले ऑर्गेन्स को, बाहर से आने वाले दूसरे ऑर्गेनल्स को या अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। सेकंड आगे बढ़ूं प्लास्टिड की ओर, तो प्लास्टिड ध्यान रखिए, प्लास्टिड डबल मेंबर्ड स्ट्रक्चर होता है, डबल मेंबर्ड कंपोनेंट होता है। ये स्पेशली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। प्लास्टिड तीन टाइप से होते हैं, ये प्लास्टिड के तीन टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इस नाम से ही कंफर्म हो रहा है, इनमें क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होने के कारण इनका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। वहीं अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करूं तो क्रोमोप्लास्ट में होते हैं कैरोटीन एंजाइम, कैरोटीन प्रेजेंट होता है। कैरोटीन प्रेजेंट होने के कारण ये प्लांट को येलो, रेड या ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में किसी भी टाइप से कोई कलर नहीं होता, ये पूरी तरीके से कलरलेस होते हैं और इनका मेजर फंक्शन रहेगा प्लांट सेल के अंदर ऑयल्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोर करने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इनमें कौन कौन से सेल्स को हमने यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे प्लांट सेल। प्लांट सेल का जो सेल वॉल रहेगा वो सेल्यूलोस का बना होगा और इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको पढ़ाया था। प्लस इन प्लांट सेल्स के पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहता है जो इन्हें एनिमल सेल्स या अदर सेल्स से अलग करता है। वो स्ट्रक्चर क्या है, इनके बीचों बीच एक बड़े से स्ट्रक्चर रहेंगे जिनका नाम है वॉक्यूल्स। इन वॉक्यूल्स का मेजर रोल रहता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर की ओर जो प्रेशर बन रहा है, जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, इस प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। प्रेशर मेंटेन करेंगे मतलब क्या होगा, इस सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाई प्रेशर के कारण इस सेल स्ट्रक्चर का शेप ना बिगड़ जाए। नेक्स्ट आएंगे प्रोटोजुअल सेल्स की ओर। प्रोटोजुअल सेल्स ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लस इनमें सिलिया प्रेजेंट होता है जो इनके लोकोमोशन या इनके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आते हैं फंगल सेल्स की ओर। फंगल सेल्स में एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक ये होगा कि इनके जो सेल वॉल होंगे वो अदर ऑर्गेनिज्म सेल वॉल के कंपेरिजन में बहुत हार्ड होंगे, बहुत रिगिड होंगे। क्यों, क्योंकि इनके जो सेल वॉल होते हैं वो चिटिन और सेल्यूलोस से बने हुए होते हैं। इस कारण से इनका साइज ही, इनका शेप ही बहुत फिक्स रहता है, किसी पर्टिकुलर शेप के रहेंगे और इनका जो सेल वॉल रहेगा वो हार्ड रहेगा। इनके सेल वॉल में कुछ स्मॉल होल्स रहते हैं जिन्हें कहेंगे स्टेपा, और ये स्टेपा क्या करते हैं कि इस सेल के अंदर किसी भी ऑर्गेनेल्स को आने या किसी भी ऑर्गेनेल्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए उन्हें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एनिमल सेल की ओर। एनिमल सेल, इनमें क्या होगा, एनिमल सेल्स में किसी भी टाइप से सेल, एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक, इनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। और एनिमल सेल्स के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये अपना न्यूट्रिएंट दो मेथड से बनाते हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होगा कि सेल ऑर्गेनल्स न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल किसी बाहर से आने वाले किसी लिक्विड ड्रॉपलेट्स को
एब्जॉर्ब करते हैं और उससे अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनके डिफरेंस में कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। फर्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल में, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। यूकैरियोट्स क्या होंगे, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। सेल साइज की बात करें तो जनरल सी बात है, प्रोकैरियोट्स पहले आए थे, इनका साइज इनके सेल का साइज छोटा होगा। वहीं यूकैरियोट्स की बात करें तो इनका सेल का साइज बड़ा होगा, इनके सेल का डायमीटर बड़ा होगा। सेल वॉल की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होंगे बट वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होंगे, जैसे मैंने बताया था उनमें कैप्सूल होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे, सेल वॉल होंगे। वहीं यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें बहुत कम में सेल वॉल रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और अगर प्रेजेंट रहेंगे तो वो सिंपल नेचर के रहेंगे। न्यूक्लियस की बात करें तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्पेसिफिक डिफरेंस है दोनों के बीच, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होंगे और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में स्मॉल साइज के रहते हैं और वहीं यूकैरियोट्स में बड़े साइज के रहते हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस शेप के होंगे, स्पेरिकल शेप के होंगे। वहीं अगर यूकैरियोट्स में बात करें तो इनमें राइबोसोम्स लीनियर शेप के होते हैं। उसी तरीके से डीएनए का अरेंजमेंट कैसा होगा, प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर होगा और यूकैरियोट्स में लीनियर होगा। ये हो गए इनके कुछ और डिफरेंस देखते हैं आगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमने बात किया था प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, इमैच्योर होते हैं, मतलब सिंपल सी बात, इनमें ये सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके बस एब्सेंट और प्रेजेंट लगा देना है। माइटोकॉन्ड्रिया इनमें एब्सेंट रहेंगे, साइटोप्लाज्म इनमें प्रेजेंट रहेंगे बट सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहेंगे, इनमें प्रेजेंट रहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इनमें प्रेजेंट रहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी इनमें एब्सेंट रहेंगे। प्लाज्मिड की बात करूं प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहेंगे और यूकैरियोट्स में या तो एब्सेंट रहेंगे या बहुत कम में ही प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम हमने बात कर लिया अभी कि प्रोकैरियोट्स में स्मॉल होते हैं, यूकैरियोट्स में लार्ज होते हैं। लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहते हैं, वहीं यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहते हैं। सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स अपने आप को एसेक्सुअल बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं और यूकैरियोट्स क्या करते हैं, मिटोसिस के द्वारा सेल डिवीजन करते हैं। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में बड़े साइज में होते हैं और यूकैरियोट्स में उनका साइज बहुत ही छोटा रहता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होगा और यूकैरियोट्स में सेक्सुअल होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया और एर्किया हो जाएंगे प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल और प्रोटोजुअल सेल। तो ये हो गए इनके डिफरेंस। नेक्स्ट आते हैं कि इस चैप्टर से किस किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस बेसिकली तीन टाइप से कैटेगराइज किए गए हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 4 मार्क्स और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मतलब 8 मार्क्स के। 2 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफाइन प्रोकैरियोटिक सेल, आप पूरे तरीके से जान चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या हैं, अच्छे तरीके से आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, हमने यूकैरियोटिक सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। ड्रॉ अ प्रोकैरियोटिक सेल डायग्राम, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम ड्रॉ करना है। और सेकेंड, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ क्वेश्चन था यूकैरियोटिक सेल, यहाँ क्वेश्चन आ गया प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ अबाउट यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, मतलब हमें यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन्हें उनके फंक्शन के साथ डिस्क्राइब करते जाना है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, तो हमने पूरी तरीके से यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को। तो कंप्लीट करते हैं आज की इस वीडियो से। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद जीपैट डिस्कशन सेंटर।